नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल है और इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ आप अंत तक देखिए ताकि आप भी किसी की हेल्प कर सकें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही सारे बिजनेस आइडियाज़। ये लगभग 50 बिजनेस आइडियाज़ हैं जिन्हें आज के युवा पीढ़ी को बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। तो अगर आप या आपका कोई भाई, सगा संबंधी या दोस्त नौकरी या बेरोजगारी से परेशान है तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो इनमें से कोई भी एक बिजनेस शुरू करके घर बैठे ही थोड़ा सा मेहनत करके बहुत ही ज़्यादा रुपए कमा सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको लगे कि यह वीडियो किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ अपने उस दोस्त के साथ या सगे संबंधी के साथ यह वीडियो शेयर करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ नीचे जो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद एक घंटी का बटन आएगा उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज़ और मोटिवेशनल वीडियोज़ सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिसको यह वीडियो की ज़रूरत हो। आप प्लीज़ उनके साथ यह वीडियो शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई सुझाव या डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी होने पर आपके मन में तमाम तरह के विचार आते हैं, जैसे कि नौकरी ना होने पर अक्सर लोग बिजनेस करने की प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन बिजनेस में लगने वाली लागत को देखकर बहुत लोग निराश हो जाते हैं। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस की जानकारी दे रहे हैं जो कम पैसों में भी शुरू किए जा सकते हैं, इनमें मुनाफा भी अच्छा होगा। और ऐसे कई सफल उदाहरण हैं जिन्होंने छोटे से बिजनेस से अपनी शुरुआत की है और आज वह बड़ी कंपनियों के मालिक हो गए हैं। तो दोस्तों, आइए जानें कि कम पैसों में शुरू होने वाले कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें आप बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी पहली कैटेगरी है उसमें है 5,000 रुपये में शुरू होने वाले बिजनेस। मात्र आपको 5,000 रुपये का इन्वेस्ट करना होगा और आप यह बताए गए बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, और यह बहुत ही फेमस बिजनेस आइडिया है, बहुत ही ज़्यादा लोग इसे अपनाते हैं, मोबाइल रिचार्ज और सिम कार्ड सेलिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश में बहुत ही मोबाइल का जो चलन है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग इसको बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, एक आदमी के पास 2 से 3 मोबाइल तो आम बात है। तो दोस्तों, ऐसे में मोबाइल रिचार्ज और सिम कार्ड की सेलिंग का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल सकता है। ये बिजनेस 3 से 5,000 रुपये में शुरू हो जाता है और इसकी मांग बाज़ार में हमेशा बनी रहती है। आप घर बैठे या छोटी दुकान में भी यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, प्रिंटर और फोटोकॉपी बिजनेस का। ये बिजनेस 4 से 5,000 रुपये में भी शुरू हो जाते हैं और इसके लिए स्थान उपयुक्त होना चाहिए आपके, यानी कि आपको वही बिजनेस एरिया सेलेक्ट करना चाहिए जो कॉलेज के पास हो, सरकारी दफ्तर या फिर किसी कोर्ट के बाहर हो। तीसरा आइडिया है दोस्तों, ब्रेकफास्ट शॉप का। यह बेहद डिमांडिंग बिजनेस है, सुबह अक्सर लोग दफ्तर जाने के लिए जल्दी में उठते हैं, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो परिवार के साथ नहीं रहते या लोग बेहद ब्रेकफास्ट की तलाश में रहते हैं, इस काम को फुल टाइम भी शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप जो अपनी शॉप है उसको ऐसे एरिया में चुनिए जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया हो या फिर स्टूडेंट कॉलेज वाला एरिया हो। शू वॉश लॉन्ड्री, दोस्तों यह एक नया बिजनेस आइडिया है। आजकल ऐसी मशीनें आ रही हैं जिनके जरिए जूतों की धुलाई और सफाई की जाती है, इस काम को 3 से 5,000 रुपये में शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह तो थे 5,000 रुपये में शुरू होने वाले बिजनेस आइडिया। चलिए अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे 5 से 10,000 रुपये में शुरू होने वाले बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, सबसे पहला बिजनेस आइडिया है मिनरल वाटर सप्लाई का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जल ही जीवन है और बिना पानी के कुछ नहीं है, तो दोस्तों यह बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस का खासकर फ़ायदा आपको गर्मियों में हो सकता है। आपको ऐसी लोकेशन चुननी चाहिए जहां बहुत ज़्यादा लोग हों, जैसे कि आप चुन सकते हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बस अड्डा और
हॉस्पिटल के सामने, कॉलेज के सामने और किसी मॉल के आसपास। तो दोस्तों ऐसे में आपका यह बिजनेस बहुत ही ज़्यादा चलेगा। दोस्तों इसके बाद जो बिज़नेस आइडिया आता है वह है कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक सेल का बिज़नेस। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि हम वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अपना रहे हैं, तो ऐसे में मॉडर्न लाइफ के साथ यह बिज़नेस बहुत ही मांग में चल रहा है। यह बिज़नेस 8 से 10 हज़ार रुपये में शुरू हो सकता है और आप इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। अब दोस्तों आता है सेलिंग बेकरी प्रोडक्ट्स का। बेकरी प्रोडक्ट्स की बाज़ार में खूब ही मांग है, स्पेशली कॉलेज के आगे, मेट्रो स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड पे इनकी मांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ऐसी लोकेशन को सेलेक्ट करके अपना यह बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब आता है गारमेंट टेलर का। इस बिज़नेस में हुनर की ज़रूरत है और मार्केट की समझ भी होनी चाहिए। आप एक छोटे से दुकान के साथ 10 हज़ार रुपये के साथ यह बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और आप इसमें घर बैठे भी यह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस भी नहीं है लेकिन आपके पास हुनर है, तो आप घर में बैठकर ही यह बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अब आता है प्लांट नर्सरी का। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल मॉडर्न हाउस का ज़माना है और काफ़ी लोग अपने घर में ही प्लांटेशन करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में घर को खूबसूरत बनाने के लिए आप प्लांट नर्सरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और लोगों से कॉन्टेक्ट करके आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे 30 से 50 हज़ार रुपये में शुरू होने वाले बिजनेस आइडियाज़। दोस्तों इसमें सबसे पहला बिजनेस आइडिया है डिजिटल स्टूडियो का। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर, UPS, फोटो कलिंग, प्रिंटिंग आदि की बिक्री और मरम्मत का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है या फिर शादी ब्याह में हर कोई फ़ोटो और कैमरा, मोबाइल फ़ोन रखना चाहता है। तो ऐसे में आप डिजिटल स्टूडियो शुरू करके ऐसे लोगों की मदद करके अपना मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अब आता है वीडियोग्राफी का। दोस्तों इसमें भी हुनर की ज़रूरत है और आप एक हैंडीकैम लेकर कैमरे के जरिए से वीडियोग्राफी शुरू कर सकते हैं और आप शादी ब्याह या किसी फंक्शन में जाकर अच्छे खासे रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों अब आता है फास्ट फूड एंड शॉप का बिजनेस आइडिया। इसमें आते हैं कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड फूड, चिप्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम आदि। आप इन सभी को कलेक्ट करके अपनी शॉप में एक शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अब आता है बहुत ही फेमस आइडिया, जो कि है ट्रैवल एजेंसी का, जिसमें आते हैं रेल रिजर्वेशन, बस रिजर्वेशन, एरोप्लेन रिजर्वेशन। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि आजकल काफ़ी लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर प्राइवेसी रखने के लिए पर्सनल टैक्सी का उपयोग करते हैं और टाइम ना होने की वजह से भी लोगों को इस बिज़नेस में दिलचस्पी है, क्योंकि लोग इन लोगों से कांटेक्ट करके आसानी से टिकट ले सकते हैं, आज कोई भी लाइन में लगना नहीं चाहता। तो दोस्तों इस बिज़नेस का भी बहुत अच्छा स्कोप है, आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए। दोस्तों अब आता है लो कॉस्ट गैजेट शॉप। दोस्तों आप तो जानते हैं कि आजकल की भारत की जो युवा जनरेशन है वो गैजेट का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करना चाहती है और कर भी रही है। तो ऐसे में आप एक गैजेट शॉप खोलकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं चौथे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बता रहे हैं 50 से 1 लाख रुपए में शुरू होने वाले बिजनेस। दोस्तों इसमें सबसे पहला बिजनेस आइडिया है मेडिकल स्टोर का। दोस्तों इसके लिए आपको एक डिग्री की ज़रूरत होती है, मेडिकल कोर्स करना होता है आपको, और यह बिजनेस आप 80 से 1 लाख के रुपये में शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मेडिकल दवाइयों में बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है, तो यह बिजनेस आइडिया बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक शॉप का। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम सुबह से लेकर शाम तक हर वक्त इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का उपयोग करते हैं, तो ऐसे में इस बिजनेस का जो स्कोप है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं, जैसे फ़ैन, हीटर, बोर्ड, स्विच, यानी कि हर मौसम में आपको इलेक्ट्रिक आइटम्स की रिपेयर का अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर इन्हें बेचने का, तो आपके जो शॉप है बहुत ही ज़्यादा चलने वाली है। दोस्तों फिर दोस्तों आता है किड्स प्ले सेंटर। अगर आपके घर में ज़्यादा जगह है तो यह सबसे मुनाफे वाला व्यवसाय है। दोस्तों इसमें आप वीडियो गेम या अन्य गेम लगाकर अपना यह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता है। अब दोस्तों आता है साइबर कैफ़े। समय की ज़रूरत के हिसाब से अच्छा बिजनेस है और
इसमें आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोगों के पास डेस्कटॉप नहीं है, वो मोबाइल से काम करते हैं, लेकिन काफ़ी कामों के लिए आपको डेस्कटॉप की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में साइबर कैफ़े का बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों आता है ब्यूटी पार्लर और स्पा या बुटीक का बिज़नेस। दोस्तों इसे आप घर में भी खोल सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसमें आपको छोटा सा कोर्स करना होता है और जो कि आप बहुत ही सस्ते में कर सकते हैं। उसके बाद आप ही अगर यहाँ बिजनेस खोलते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। अब दोस्तों आता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप। दोस्तों हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी भी है, बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी रहते हैं, तो ऐसे में शादी ब्याह में या फंक्शन में वो लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी परचेज करते हैं और इनको आप ए पर डे के हिसाब से किराए पर देखकर बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अब आता है एड एजेंसी या पीआर का बिजनेस। दोस्तों इसमें आप खुद की एजेंसी या पीआर का काम शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस में ग्रोथ के साथ आपकी जो इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों अब आते हैं हम अपने अंतिम सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं 1 से 5 लाख में शुरू होने वाले बिजनेस आइडियाज़। इनमें सबसे पहला बिजनेस है इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस। दोस्तों आप तो जानते ही हैं आजकल ज़्यादातर काम इवेंट मैनेजमेंट के जरिए हो रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता किसी भी काम को करने के लिए। हर किसी को रिजल्ट चाहिए, जैसे कि अगर आप शादी या बर्थडे प्लान कर रहे हैं तो वो लोग सीधा एक एजेंसी को बुक कर देते हैं जो कि सब कुछ काम करेगा उनके लिए। वह उनके लिए थीम सेलेक्ट करेगा, कुकिंग और जो इतनी भी वैरायटी होती है, लोकेशन, हॉल बुक और व्हीकल अरेंजमेंट, ये सारा इवेंट मैनेजमेंट वालों का काम होता है। तो लोग समय बचाने के लिए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट वालों को कॉल करते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में बहुत ही अच्छा स्कोप है और आने वाले समय में यह बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो आप इसमें अभी से अपने पैर जमा लीजिए और इसमें बहुत ही अच्छा स्कोप भी है। दोस्तों अब आता है मोबाइल हैंडसेट शॉप। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एक छोटे से छोटे आदमी के पास भी दो दो मोबाइल फ़ोन हैं और ज़्यादा भी फ़ोन हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ऐसे में आप मोबाइल हैंडसेट शॉप की दुकान खोल सकते हैं और इसमें ग्रो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अब दोस्तों आता है टाइल्स और मार्बल के लिए। दोस्तों यह बिजनेस 3 से 4 लाख में शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कोई आदमी घर बनाता है तो उसे डेकोरेट करने के लिए आजकल टाइल और मार्बल्स का बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है रेडीमेड गारमेंट शॉप। इसे भी आप 4 से 5 लाख में शुरू कर सकते हैं और सस्ते दामों में सामान खरीदकर उन्हें ऊंची कीमतों में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अब आता है पिकअप वैन सर्विस। दोस्तों इसके लिए आप एक वैन किराए पे भी ले सकते हैं और अपनी वैन इंस्टॉलमेंट में भी परचेज ले सकते हैं बैंक से। उसके द्वारा आप पिकअप वैन सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों को ऑफिस छोड़ सकते हैं, स्कूल के बच्चों को स्कूल में छोड़ सकते हैं और उन्हें स्कूल से ला सकते हैं। दोस्तों यह बहुत ही मुनाफे का काम है और इसमें भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो बिजनेस आइडिया हैं छोटे छोटे उद्योग के अंतर्गत आती हैं। इनमें सरकार आपको बहुत सारी सुविधाएं देती हैं और इनके बारे में भी आप अधिक जानकारी जान सकते हैं, जैसे कि लोन लेना और अन्य कोई सहायता अगर आपको चाहिए टेक्निकल, तो वह भी आपको मदद की जा सकती है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका नाम उस नंबर को मेंशन किया हुआ है। आप उस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 1800 1806763। इस पर आप कॉल करके कोई भी अपना क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको लगे कि यह वीडियो किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज़ उस बंदे के साथ आप यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि किसी की मदद हो सके और हमारे यह वीडियो बनाने का मकसद सफल हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और जाते जाते लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके प्लीज़ हमें थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।